हरे कृष्णा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समाज के अंदर उठा हुआ है कि कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी का क्या हुआ, कृष्ण के वृंदावन से मथुरा द्वारका जाने के बाद राधा का क्या हुआ, अथवा कृष्ण का इस संसार से जाने के बाद राधा रानी का क्या हुआ। ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि भारत भर के अंदर आज मैक्सिमम लोग केवल सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें हैं उनको बिना किसी वेरिफिकेशन के एक्सेप्ट कर रहे हैं, और धूर्त लोग बैठे हैं संसार में बहुत, और सबने अपने अपने प्रकार की बातें बना रखी हैं। कई लोगों ने तो ये कह दिया जी राधा तो है ही नहीं, ये तो धारा है, धारा धारा जो हमारी इस संसार की तरफ बह रही है वो जब कृष्ण की तरफ बहने लग जाए तो धारा का उल्टा हो गया राधा, तो मतलब राधा जी को ही गायब कर दिया। राधा का नाम लेना है पर राधा को गायब करके, जैसे कई सारे दुष्ट ऐसे भी हैं भगवत गीता की बात करते हैं परंतु कृष्ण हटा करके। तो सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम विश्वास करें तो पूर्ण सत्य सोशल मीडिया पे हमेशा मिलता नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग अपने TRP बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे असभ्य चित्रों के साथ भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की बातों को प्रस्तुत करते हैं, कहना ही क्या। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के ऊपर सत्य बोलने वाले लोग भी प्रकट हैं जो शास्त्र प्रमाण से बोल रहे हैं। अब ये हमें निर्धारित करना है कि जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं वो शास्त्र पे आधारित है या मनोकल्पित कोई कहानी बना रखी है। जैसा कि कई सारे लोग बोलते हैं कि राधा का कृष्ण से ही विवाह हुआ, कोई कहता है राधा का विवाह कृष्ण से नहीं अभिमन्यु गोप से हुआ, कोई कहता है राधा का विवाह अभिमन्यु से नहीं आयन से हुआ, कोई कहता आयन से नहीं रयान से हुआ। देखिए जब तक हम शास्त्र के आधार पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम जो हमने WhatsApp पे Facebook पे और सोशल मीडिया के अन्य क्षेत्रों पे देखा हमें लगेगा यही सत्य है। तो इसीलिए आज हम इस महत्वपूर्ण चीज़ की चर्चा करेंगे शास्त्र पे आधारित। शास्त्र पे आधारित हम पहले भी एक वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं जिसमें बताया जा चुका है कृष्ण का विवाह राधा से क्यों नहीं हुआ, अथवा कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। आप माया आश्रय के अन्य वीडियोस में इस लिंक को भी देख सकते हैं। पर अब राधा कृष्ण के जाने के बाद राधा का क्या हुआ। कुछ कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कृष्ण के जाने के बाद राधा ने एक और गोप से विवाह किया, और जहां उनकी सास और बहू के साथ थोड़ा रिश्ता खराब हुआ तो उस गोप ने दूसरी जगह पे घर ले लिया और बड़े सुखपूर्वक शांति से जीवन बिताया, और राधा के इस भाव का कि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है उसका भी आदर करता रहा। अगर शास्त्र पे आधारित चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि राधा के जीवन में कृष्ण के अलावा कभी कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अरे क्योंकि कृष्ण चले गए दूर या उन्होंने किसी और से विवाह कर लिया, तो इसलिए राधा उनसे अपना संबंध तोड़ करके अन्य किसी और के साथ प्रेम का संबंध बना लेगी तो ये प्रेम ही नहीं रहा, ये तो संसार का काम रह गया है। ये काम वासना ही है कि चलो यहाँ पूर्ति नहीं हुई तो वहाँ जाके पूर्ण कर लेंगे। प्रेम तो एक बार हो गया तो वो बदलता नहीं है। प्रेम गति गली अति सांकरी या में दो न समाए, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। प्रेम की गली बड़ी सांकरी है, उसमें दो लोग घुस नहीं सकते एक साथ। तो एक ही व्यक्ति कृष्ण ही है राधा के जीवन में। अरे यही तो प्रेम का स्वभाव है, किसी भी कारण से प्रेम संबंध टूटता नहीं है, किसी भी कारण से। इसलिए कहा गया है सर्वथा भंश रहितम, कि कभी भी प्रेम टूट नहीं सकता। सर्वथा ध्वंश रहितम सत्यम अपि ध्वंश कारणे तद भाव बंधनम यूनो सप्रेम परिकीर्तिता। जो संबंध कभी भी टूटे ना, भले ही 1,000 1 करोड़ टूटने के कारण हो, ऐसे संबंध में जो बंधन होता है, ऐसे जो दो लोगों के बीच में भाव का बंधन है उसको प्रेम कहा जाता है। और ये प्रेम का बंधन सृष्टि के अंदर देखने में बड़ा मुश्किल मिलेगा कि प्रेम संबंध टूटने के कारण के बाद भी ना टूटे। और राधा का वैसा प्रेम है श्री कृष्ण के साथ, वो जो कभी टूट ही नहीं सकता। वास्तव में राधा रानी समर्पण मूर्तिमान है, प्रेम मूर्तिमान है। पर जहाँ तक बात आती है कि उनका विवाह अभिमन्यु गोप इत्यादि से हुआ, तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि जिस समय
भगवान श्री कृष्ण की लीला में ब्रह्मा जी ने आकर के सारे गोपों को उठा लिया था और भगवान स्वयं सारे गोपों का रूप धारण कर चुके थे। पूर्णमासी देवी के कहने पर उसी समय पर सारे ब्रज गोपियों का विवाह, उस समय जो बालिकाएं थी उनका विवाह गोपों से हो गया था, जो कि वास्तव में कृष्ण ही थे, जो वास्तव में कृष्ण ही थे, क्योंकि गोपियों ने व्रत किया था कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, इसलिए कृष्ण ही उनको प्राप्त हुए। पर जो परकीय रस है, जो हम अपनी पहली वीडियो में मेंशन कर चुके हैं, उस परकीय रस का आस्वादन करने के लिए इस बात को प्रकाशित नहीं किया गया कि इन सब के पति कृष्ण ही हैं। और उसी समय अभिमन्यु और राधा का भी विवाह हुआ, तो राधा रानी अब उस परकीय रस, जिसके माध्यम से ये दिखाया जा सके कि प्रेम वास्तव में क्या चीज है, समर्पण क्या चीज है, ये प्रकाशित नहीं किया गया कि कृष्ण और राधा का साक्षात विवाह हुआ है अभिमन्यु और राधा के रूप में। और वो जो अभिमन्यु जिनके जो उनके घर में रह रहा था, वो वास्तव में कृष्ण की छाया का विस्तार था, और कभी उसने श्रीमती राधा रानी को स्पर्श नहीं किया। अरे अभिमन्यु तो राधा रानी के संग में था और उनकी सेवा कर रहा था, उनको प्रणाम कर रहा था, क्या कहें। जो साधारण मनुष्य थे कुंवर भोजराज, मीरा देवी के पति, उन्होंने भी मीरा के इस भाव को देखते हुए कि वो कृष्ण से प्रेम करती है, कभी स्पर्श नहीं किया। और फिर अभिमन्यु जी का क्या कहना, जो कि कृष्ण की छाया के विस्तार हैं अथवा कृष्ण की छाया के अवतार हैं। अब जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो राधा रानी ऐसा नहीं है कि सुखपूर्वक रहने लगी, और ऐसा भी नहीं है कि अब सब खत्म हो गया। वास्तव में अब दूसरे प्रकार की सेवा शुरू हुई। इस सेवा को कहा जाता है विप्रलंभ सेवा। संसार भर में कई सारे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जिनमें से कुछ हैं गौड़िया वैष्णव भी, और गौड़िया वैष्णव विशेष रूप से विप्रलंब सेवा को महत्व देते हैं, जिसमें जब कृष्ण नजदीक नहीं है तो भी उनके प्रति विरह की भावना, उनकी सेवा की भावना, उनको प्रसन्न करने की भावना। अब ये विप्रलंब का मतलब है विरह, विरहमयी सेवा, लव इन सेपरेशन। और ये कई प्रकार का होता है, जैसे पूर्वराग, अभी तक कृष्ण से मिले नहीं हैं फिर भी कृष्ण से विरह हो रहा है, इसको कहते हैं पूर्व राग, कि हम जानते हैं कृष्ण हैं, वो सबके असली प्रियतम हैं, और बस इस कारण से उनके प्रति उनकी सेवा प्राप्त करने की इच्छा, गाढ़ लालसा, और इस बीच में विरह की हाय मैं अभी तक कृष्ण से दूर हूँ, इसको कहते हैं पूर्व राग। और एक होता है सुदूर प्रवास, बहुत दूर जब कृष्ण चले गए, तब मिलने के बाद जब कृष्ण दूर चले गए और फिर कृष्ण को उन लीलाओं का स्मरण करते हुए कि कृष्ण दूर चले गए, उनसे विरह करना, और उनके अब उनके दूर जाने के बाद भी ये ना सोचना कि हाय कितने निर्दयी थे हमें छोड़ के चले गए, बल्कि दूर जाने के बाद भी ये दिखाना कि नहीं, अब कृष्ण कैसे भी रहें, हमसे नजदीक रहें अथवा दूर रहें, हमारे प्रेम में कमी नहीं आने वाली, हमारी सेवा की भावना में कमी नहीं आने वाली, बल्कि हमारा प्रेम, हमारी सेवा, हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, आश्लीषवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम अरहताम अरमहताम करोतुवा यथा तथा विदधातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। वो मेरे नजदीक रहें अथवा दूर रहें, मुझे प्रेम दें अथवा मेरे से द्वेष करें, हर परिस्थिति में कृष्ण मेरे प्राणनाथ थे, हैं और रहेंगे। इसको प्रेम कहा जाता है। इसको प्रेम नहीं कहा जाता कि आज हम तुमसे प्रेम करते हैं, थोड़ा सा तुमने हमारा अहित किया तो हम तुम्हारे विरोधी हो गए, नहीं नहीं नहीं, प्रेम का मतलब है हर परिस्थिति में हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम हमसे प्रेम करो या ना करो हम तुमसे प्रेम करते हैं, ये है असली प्रेम। और इसीलिए श्रीमती राधा रानी का प्रेम शुद्ध है, शुद्ध, पूर्ण शुद्ध। एक बार श्री कृष्ण को बुखार आया और किसी प्रकार का कोई इलाज समझ में नहीं आया, तब कृष्ण ने बताया अगर कोई स्त्री ऐसे मटके में जल लेके आती है जिसमें 100 छेद हों और वो जल मुझे दें तो ही मेरा बुखार उतरेगा। पर ऐसा कौन सी स्त्री कर सकती है कि 100 छेद वाले मटके में जल ले आए। तब कृष्ण ने बताया कि जो स्त्री पूर्ण शुद्ध हो, असली सती हो, जिसके मन में कभी पर पुरुष का चिंतन तक ना आया, चिंतन सपने में भी ना सोचा हो कभी पर पुरुष के बारे में, एक ही पुरुष के बारे में सोचा हो, चिंतन किया और सेवा करी हो, वो स्त्री जब लेकर के आए, सती स्त्री, तब किसी ने चेष्टा भी नहीं करी और श्रीमती राधिका 100 छेद वाले मटके में जल भर के ले आई। तो ये हैं
परम पवित्र, राधिका हैं परम पवित्र, और जब कृष्ण चले गए तो अब उनकी शुरू हुई विप्रलंभ सेवा। कृष्ण के जाने के बाद भी किसी प्रकार का काम नहीं, उज्जवल काम प्रेम मध्य होए बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम तो महा अंधकार है और प्रेम निर्मल सूर्य है। तो ये है असली प्रेम की कहानी, जिसमें कृष्ण दूर हैं तो भी विप्रलंभ सेवा चल रही है और कृष्ण का चिंतन स्मरण कर रहे हैं और दुनिया में दिखा रहे हैं कि एक बार कृष्ण से प्रेम कर लें तो फिर मुख मोड़ नहीं सकते, मन में और किसी को बसा नहीं सकते। और फिर अब कोई पूछेगा कि जब कृष्ण इस संसार से चले गए तब क्या हुआ, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हो गई, कृष्ण को किसी बहेलिए ने मार दिया, अरे जिस बहेलिए को उन्होंने स्वयं अपने धाम भेज दिया सशरीर, और क्या उस बहेलिए के तीर से वो मर जाएंगे? यमपुरी से अपने गुरु के पुत्र को यहाँ नीचे लेकर के आ जाने वाले व्यक्ति स्वयं तीर के लगने से मर जाएंगे? महाभारत के युद्ध में लाखों हजारों तीर उनके शरीर के ऊपर बरसे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अंगूठे पे तीर लगने से वो मर जाएंगे? नहीं। तो वहां पर वर्णन आता है भागवतम में कि कृष्ण वहां से जब अप्रकट हुए तो गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गोलोक धाम से विमान आया, विमान पे कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर के वापस गोलोक धाम चले गए। कुछ नहीं हुआ, पूरा ब्रज धाम राधा रानी साथ में गोलोक धाम वापस चले गए। और अन्य कल्प के कथा के अनुसार, क्योंकि भगवान की कथा में हल्का हल्का फर्क जो हमें नजर आता है वो अलग अलग कल्पों की कथा होती है, तो एक बार सिद्धाश्रम में जब श्री राधिका अपने सखियों के साथ और ब्रजवासियों के साथ पहुंची तो श्री कृष्ण वहीं से विमान पर सबको बिठा करके गोलोक धाम चले गए। और किसी भी प्रकार से किसी के मन में अगर शंका हो कि राधा का प्रेम दूषित है या राधा ने किसी और से प्रेम कर लिया या कृष्ण दूषित थे, उसको निकाल दें। अगर हम अपनी तार्किक बुद्धि का त्याग करेंगे, दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग करेंगे और निर्मल भाव से श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करेंगे और इन कथाओं को सुनेंगे, सिद्धांत को समझेंगे, तो निश्चित रूप से उस निर्मल प्रेम का आस्वादन हम भी कर पाएंगे। तो हम उन लोगों से भी आशीर्वाद की याचना करते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और किसी भी प्रकार से सत सिद्धांत पे विश्वास नहीं करना चाहेंगे, सारे सही सही बातें पता लगने के बाद भी कृष्ण के अंदर दोष ही निकालेंगे, राधा में दोष ही निकालेंगे। हम उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि जब वो अपने दुष्ट भाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ जानने के बाद भी, नास्तिक होने के बावजूद भी कृष्ण में दोष निकालने को नहीं छोड़ते, वो निष्ठा है उनकी, तो ऐसी दृढ़ निष्ठा हमारे में बने, कभी भी अपने असली प्रियतम श्री श्री राधे श्याम के प्रति हमारा भाव कम ना हो, बल्कि उनकी सेवा का भाव हमारे हृदय में बढ़ता चला जाए। हरे कृष्णा।